हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना F3 टॉपिक। आपको पता है कि एथिक्स चल रहा है, प्रोफेशनल एथिक्स, और हमने काफ़ी सारी टर्म्स डिस्कस करी। हमारा F1 टॉपिक कंप्लीट हुआ, F2 कंप्लीट हुआ। F2 में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। अब हम F3 टॉपिक पे आ गए हैं। F3 टॉपिक क्या है? एथिकल कंसिडरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फर्स्ट टॉपिक है। पहले आप ये मुझे बताइए कि सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। आपने सुना होगा ये सस्टेनेबल वर्ड, हो सकता है आपको पता भी हो। सस्टेनेबल मतलब कि करो, डेवलपमेंट करो, अभी डेवलपमेंट जितना करना है करो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स, मतलब आज आपको जितना डेवलपमेंट करना है करो, लेकिन वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे फ्यूचर के जनरेशन को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो आपने कोट सुना होगा महात्मा गांधी का, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड्स बट नॉट एवरीवन ग्रीड। तो ग्रीड को अर्थ सेटिस्फाई नहीं कर सकती, लेकिन इंसान की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकती है अर्थ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है, सस्टेनेबल को हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ, मतलब ऐसा विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास, तो ऐसा विकास जो है जो लॉन्ग टर्म तक चले, ठीक है, जिससे किसी को नुकसान ना हो। अभी आजकल आप देखते होंगे कि अर्थ के अंदर एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ गए हैं एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है, तो अर्थ वार्म हो रही है कह रहे हैं। कई जगहों पे जब भी विंटर आती है, सीजन्स चेंज होते हैं, तो विंटर तो बहुत ज़्यादा विंटर, रेन तो बहुत ज़्यादा रेन, ठीक है, सुनामी और साइक्लोन, इस तरीके की चीज़ें, सब चीज़ बढ़ चुकी है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया है, बिकॉज क्योंकि हमने CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा किया है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा किया है, तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देखिए जो कॉरपोरेट्स है ना, वो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। इससे क्या होगा कि फ्यूचर के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। और ये पॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? ये इंग्लैंड से हुई थी, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 18th सेंचुरी के आसपास, मतलब आज से करीबन 200 साल के आसपास पहले, अपन ले लें 200 ईयर्स बैक, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तब से जो पॉल्यूशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। आप देखिए कि अभी होता क्या है कि हम अर्थ में से जितना भी मिनरल है निकाले जा रहे हैं, जैसे कोल है, कोल निकाल रहे हैं, या ऑयल है, ऑयल निकाल रहे हैं। अब ये कोल और ऑयल ये एक साल के अंदर नहीं बने हैं, इनको बनने में बिलियंस ऑफ ईयर लग चुके हैं, बिलियंस ईयर्स में बनने होंगे। अर्थक्वेक आया, जंगल के जंगल नीचे चले गए अर्थ के अंदर, ठीक है, और फिर वो धीरे 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 कोयला और ऑयल के अंदर कन्वर्ट हुए, फॉसिल्स, ठीक है। ऐसे ही कुछ जो कहते हैं ना कि लिविंग बींग्स, जानवर वगैरह, वो सब भी अर्थ के अंदर चले गए होंगे, कभी ना कभी अर्थक्वेक वगैरह आया होगा, तो उन्हीं से ही ऑयल बना। ये पता है या नहीं पता आपको? ये सब इसी से जो बना है, फॉसिल्स, है ना, ठीक है। तो इनको बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, लेकिन हम निकालना जो है, हमने कितना निकाल लिया? 200 ईयर्स, आप कह लो लास्ट 200 ईयर्स के अंदर हमने जम के ऑयल निकाला है, कोल निकाला है। अब फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बचेगा ही नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? हम डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की जो जनरेशन है हमारी, उनको दिक्कत होगी। इस तरीके से वाटर एक्सप्लोटेशन, आप देखिए कई सिटीज के अंदर ग्राउंड वाटर जो है कितना नीचे जा चुका है उसका लेवल। अभी पहले रिवर्स होती, रिवर्स हैं,
रिवर्स पॉल्यूट हो चुकी है ऑलरेडी, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो और हमें पता भी नहीं लगता ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, क्योंकि वो हमें तो दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है, हमें क्या पता लगेगा ग्राउंड वाटर कितना नीचे जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है नीचे। और वापस से उसमें जो रेन होती है, वो रेन से जब पानी आता है, बरसात होती है और वो ग्राउंड एब्जॉर्ब करता है वाटर को, तो वो थोड़ा बहुत रिचार्ज होता है, ज़्यादा रिचार्ज हो भी नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर लैंड कंक्रीट की हो चुकी है, उस पर सड़क बन चुकी है, मॉल्स बन चुके हैं, तो पानी नीचे जमीन के अंदर जा नहीं पाता ढंग से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट डेट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, इसको एक और टर्म बोलते हैं, इंटर जनरेशन इक्विटी। अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ोगे तो इंटर जनरेशनल इक्विटी टर्म यूज करते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है क्या कि एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस है, अगर आपको पता हो तो, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन का है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाम है इसका, इसको कई लोग पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इस एग्रीमेंट के हिसाब से ये आप है ना इंटरव्यू में यूज कर सकते हो ये वर्ड्स। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे अगर कभी आपसे डिस्कशन होता है तो आप बोल सकते हो कि UNFCCC वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, और इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर था उससे अब इंक्रीज हो चुका है या डिक्रीज हो चुका है अर्थ का टेम्परेचर, इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली, तो ये अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं इंक्रीज होना चाहिए। मतलब सारी की सारी कंट्रीज, सारे के सारे देश, पूरा वर्ल्ड मिलके कोशिश करेगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जितना भी अर्थ का टेम्परेचर था वो तो अब उससे तो अब इंक्रीज हो चुका है, लेकिन हमें इतना कोशिश करना है कि 2 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो वो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि फिर एक्सट्रीम इवेंट्स जो अपन बता रहे थे वो और बढ़ जाएंगे और अर्थ रहने लायक ही नहीं होगी कुछ टाइम में। आप पढ़ सकते हो, ये इनके ऊपर बहुत आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर, देख सकते हो इनके बारे में। ठीक है, तो ये सस्टेनेबिलिटी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी बिजनेस अगर पॉल्यूशन वगैरह फैला रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सब लोगों को। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब देखिए, अब जैसे ये बिजनेस है, देखो ये बिजनेस क्या कर रहे हैं, ऐसे पॉल्यूशन फैला रहे हैं, एक फैक्ट्री लगती है तो एक जंगल भी काटा जा सकता है उस पूरे फैक्ट्री के लिए, तो पूरा फॉरेस्ट काटा जा रहा है, तो उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई उस फॉरेस्ट से पूरी सोसाइटी को ऑक्सीजन मिलती थी, लेकिन वो फैक्ट्री लगने की वजह से उस फॉरेस्ट को काट दिया गया, उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ थी, वो वाइल्ड लाइफ जो है खत्म हो जाएगी धीरे धीरे जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा, तो कितने लोगों को नुकसान हुआ, हम तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करते अपनी GDP लॉस के अंदर। ठीक है, हम तो केवल ये देखते हैं कि फैक्ट्री ने प्रोडक्शन कितना किया, उसकी इनकम कितनी हुई, लेकिन ये सब नुकसान भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना GDP कैलकुलेट करते समय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन वो कैलकुलेट ही नहीं करते, तो इसलिए कहते हैं GDP में थोड़े से इश्यूज हैं। तो आप देखिए, ये बिजनेस इतना पॉल्यूशन करता है तो बिजनेस की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं होती है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया है किसका, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, CSR का। ठीक है, और ध्यान रखना CSR के अंदर होता क्या है, जैसे इंडिया के रूल्स के हिसाब से इंडिया में ही CSR को लॉ बनाया गया है, अभी तक और कंट्रीज के अंदर नहीं है इतना स्ट्रिक्ट लॉ, इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है CSR के ऊपर। इंडिया में क्या लॉ है कि कंपनीज को एवरेज 3 ईयर्स के नेट प्रॉफिट का, जो पिछले लास्ट 3 ईयर्स गए हैं उनके नेट प्रॉफिट का एवरेज कर लो, उसका 2% कंपनी को CSR पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा हर साल। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो लिमिट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ CSR का कॉन्सेप्ट आ चुका है कई कंट्रीज के अंदर। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कंपनीज को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो उसमें क्या करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कंपनी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखो एजुकेशन प्रोवाइड करती है,
कितनी अच्छी बात है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं। अब देखो कितना हम कितना कई बार फूड वेस्ट कर देते हैं, और ये देखो कितने छोटे से बच्चे और कितना 3 जने एक ही छोटे से बाउल के अंदर खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये सब कंपनीज का, कॉरपोरेट्स का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, CSR। ठीक है, ये एक ऑथर हैं, इन्होंने क्या किया है, ये कैरोल करके हैं, इन्होंने एक अपना डायग्राम बनाया है और इन्होंने बोला है कि 4 तरह की कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक तो मतलब वो खुद के लिए काम कर रही है, प्रॉफिटेबल। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनीज को जो कानून होते हैं उसका फॉलो करना चाहिए, उसको उसका पालन करना चाहिए, ओबे द लॉ। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनी को एथिकल रहना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं लगाएंगे और ठीक है, और पॉल्यूशन वॉल्यूशन ये सब नहीं फैलाएंगे। वो हमने 25 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है ना, अलग अलग कंपनी की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। फिलंथ्रॉफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, कि फिलंथ्रॉफी वर्ड क्या होता है, चैरिटी। कंपनी को क्या करना चाहिए, चैरिटी भी करनी चाहिए। अगर आप देखो जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज होते हैं, बिल गेट्स है तो उनका एक मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन करके, शायद गेट्स फाउंडेशन करके, उनकी वाइफ के साथ उन्होंने मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन करके शायद कुछ बना रखा है, NGO बड़ा। तो ये लोग अपनी अपनी ज्यादातर इनकम को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ऐसे ही इंडिया में अजीम प्रेम जी, नाम सुना होगा आपने, तो ये काफी अपनी इनकम का डोनेट कर देते हैं। ऐसे ही महिंद्रा, समझ में। तो ये सब लोग क्या करते हैं, अपना डोनेशन खूब करते हैं, तो उस वेल्थ का करेंगे क्या, ये लोग बहुत ज्यादा वेल्थ इकट्ठी हो जाएगी। तो कंपनी की 4 क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो आप बताएंगे फिलोंथ्रॉफिक है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल है और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर, क्या दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सोशल और सोशल नहीं सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आगे आते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक है, एक तो ग्रुप थिंक और एक विसल ब्लोइंग। तो ग्रुप थिंक क्या होता है वो अपन देखते हैं। आपको पता है कि कंपनीज में ग्रुपिंग होती है, ठीक है, ग्रुप बन जाता है कई बार। तो ग्रुप बनना कोई ऐसे खराब बात भी नहीं है, नेचुरल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रुप थिंकिंग खराब बात है। ग्रुप थिंकिंग मतलब क्या, अब जैसे एक कंपनी में एक ग्रुप है, उसमें 5 लोग हैं, ठीक है, और ये जो पर्सन है ए, ये काफी डोमिनेटिंग पर्सन है 5ों के अंदर से। तो ये जो अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हैं किसी भी बात पे, तो बाकी 4 भी जो अंदर से सहमत नहीं है, एग्री नहीं करते ए के थॉट्स पे, लेकिन फिर भी बात मान जाते हैं ए की, बिकॉज ए डोमिनेटिंग है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर को देखो, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को अंदर से नहीं लग रहा कि मुझे राइट बोलना चाहिए, लेकिन ये फिर भी बोल रहा है। इसमें क्या गलत है, इसमें ये गलत है कि इनकी जो अलग अलग अपने व्यू पॉइंट्स थे खुद के, वो सामने प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहे। ठीक है, इन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट ही नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। देखो डिस्कशन, डिबेट, ये सबसे बढ़िया चीजें होती है हर जगह पे। बातें अगर होके कोई चीज सॉल्व हो जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है ना। तो डिस्कशन, डिबेट, ये चीज होनी चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, और डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स। अगर सबकी अलग अलग थॉट है 5ों की, तो उनको टेबल पे लेके आओ, उनको डिस्कशन करो, ना कि उनको आप सप्रेस कर दो। लेकिन ग्रुप थिंकिंग में क्या होता है कि एक जो पर्सन है उसकी ही थॉट्स को ज्यादा एनकरेज करा जाता है, उसी के बातों को सब लोग मान लेते हैं। अब आप इसको पढ़ लेना, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, ये मैंने आपको नोट्स टाइप के लिए दे दिया, आप इसको अपने PPTs में से पढ़ सकते हो। PPT तो वैसे भी आपके पास हमेशा रहती है, तो उसमें कोई इशू है ही नहीं। आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क। पहले तो ये बताओ विसल क्या होता है, विसल जानते हो आप, आपको ये टर्म पता है विसल? विसल मतलब सीटी बजाना, ठीक है ना, आपने सुना होगा कि भाई सीटी बजाना। तो हम यहां पे कौन सी सीटी बजाने की बात कर रहे हैं, यहां पे ये बात कर रहे हैं
कि कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर कई बार देखा जाता है कि फ्रॉड हो रहा होता है, ठीक है, एक पर्सन फ्रॉड कर रहा है, कुछ पर्सन मिलके फ्रॉड कर रहे हैं। अब उनमें से एक पर्सन या अलग जो पर्सन है वो चाहता, वो सब देख रहा है, अब वो सब चाहता है कि मैं इस फ्रॉड के बारे में बता दूं लोगों को, ये फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे जो बताना चाहता है फ्रॉड के बारे में कि गलत हो रहा है सब लोगों को, दूसरे लोगों को, उसे बोलते हैं विसल ब्लोअर, कि सीटी बजा रहा है ना। अब आप ये बताओ ये चीज सही है गलत है, ठीक है ना। वैसे ये एथिक्स के हिसाब से काफी डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। इसमें सही अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि अगर वो पर्सन कंपनी के हितों में सोच रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट में सोच रहा है, और वो तब बताता है दूसरों को कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोको, तब तो वो बढ़िया चीज है। लेकिन अगर वो कुछ, उसका इंटेंशन कुछ और है, कई बार इंटेंशन क्या हो सकता है कि उस पर्सन को वो फ्रॉड करने का मौका नहीं मिला, ठीक है, इसलिए वो जाके सबको बता रहा है, ये हो सकता है इंटेंशन, या इंटेंशन वो खुद की पब्लिसिटी चाहता है, ठीक है। तो ये सब अगर इंटेंशन है तो वो गड़बड़ है, तो इंटेंशन यहां पे बिल्कुल प्योर होना चाहिए, समझ में। आप देखेंगे कंपनीज के अंदर कई बार विसल ब्लोइंग डिपार्टमेंट भी होता है, इंटरनल एनोनिमस होता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर मान लो किसी ने विसल ब्लोइंग कर दी, मान लो कोई पर्सन ने जाके बता दिया कि ये सब इस कंपनी के अंदर गलत हो रहा है, ठीक है, तो अब उस पर्सन को जिसने बताया है उसको क्या खतरा हो सकता है, उसको कई बार उसकी जॉब का भी खतरा हो सकता है, उसको जॉब से भी निकाल सकते हैं लोग। कई बार अगर मैटर बहुत सीरियस है और फ्रॉड बहुत बड़ा है तो जान का भी खतरा हो सकता है, लाइफ का भी थ्रेट हो सकता है। मैं आपको एक एक केस स्टडी बताता हूँ इससे रिलेटेड, हम लोग कई बार पढ़ते हैं इस केस स्टडी को, ठीक है ना। तो एक पर्सन थे सत्येंद्र नाथ दुबे करके, तो 2002-3-4 ऐसे कुछ, आप इस ईयर के आसपास की बात है, दुबे, सॉरी ड्यूटी नहीं, दुबे, सत्येंद्र नाथ दुबे, नाम से कोई मतलब नहीं है वैसे। तो ये एक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा नाम, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हाईवेज का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो इसमें वो वर्क करते थे, इनके सामने कुछ करप्शन के इशू आए, इनके बॉस ने कुछ करप्शन करी थी, ठीक है ना, करप्शन हो रहा था वहां पे बड़े लेवल पे, तो काफी इरेगुलरिटीज थी। तो इन्होंने जाके क्या किया, सत्येंद्र नाथ दुबे ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक चिट्ठी लिख दी, एक लेटर लिख दिया, और उसमें पूरा का पूरा ये जो करप्शन हो रहा है उसके बारे में बता दिया, ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है सब कुछ पूरा पूरा बता दिया। लेकिन उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी तो खुद, तो जब आप पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कोई चिट्ठी लिखोगे तो, लेटर लिखोगे तो वो खुद तो पढ़ेंगे नहीं। तो उन्होंने इस लेटर को क्या किया, उन्होंने इस लेटर को मतलब वहां पे कोई पर्सन होगा कुछ ऑफिस के अंदर, तो उन्होंने पढ़ा होगा, और पढ़ के एनएचएआई को, एनएचएआई के सीनियर्स को ये लेटर वापस से दे दिया, बोला कि एनएचएआई के सीनियर्स को आप देखो इसके अंदर चेक करो कि क्या इशू है कंपनी के अंदर, क्या हो रहा है ये। कुछ टाइम बाद पता लगा कि सत्येंद्रनाथ दुबे की डेथ हो गई, ठीक है, और फिर बाद में मामला खुला पूरा का पूरा, मतलब वो लेटर है ना डायरेक्ट उनके सीनियर को ही पहुंच गया, जो सीनियर खुद क्राइम में इन्वॉल्व थे, फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व थे। और फिर जब उनको पता लगा कि भाई ये पीएमओ के अंदर चल जा रहा है ये बताने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक बता रहा है ये जाके, तो उसके बाद फिर सत्येंद्रनाथ दुबे की डेथ हो गई। ये केस स्टडी काफी फेमस है, आपको मिल जाएगी हर जगह पे। तो सोचो आप, विसल ब्लोअर की जान को भी खतरा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो उसको, उसको प्रोटेक्शन भी देना चाहिए आपको, वो उसको हरेसमेंट फेस करना पड़ सकता है। जैसे देखो एक छोटी सी, मैंने आपको देखो हरेसमेंट फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस करना पड़ सकता है, उसको जॉब से भी निकाला जा सकता है, उसको अब्यूज फेस करना पड़ सकता है, उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, समझ में आया क्या आपको। तो विसल ब्लोइंग को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन विसल ब्लोइंग भी एथिकल होनी चाहिए। अब जैसे आपको पता है यूएसए के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज चल रही थी, तो एक विसल ब्लोअर थे एडवर्ड स्नोडन करके,
स्पेलिंग पता नहीं सही है नहीं है, लेकिन स्पेलिंग से कोई मतलब भी नहीं होगा आपको। स्नोडन करके एक विसल ब्लोअर थे, इन्होंने वो इरेगुलरिटीज जो थी वो बता दी यूएसए के अंदर सबको, न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर। बाद में एडवर्ड स्नोडन के अगेंस्ट में ही यूएस की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इनको अरेस्ट वगैरह कर दो, इनके ऊपर इनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। फिर अभी ये यूएसए के बाहर रह रहे हैं कहीं पे, किसी और दूसरे कंट्री के असाइलम लेके, असाइलम लेकर मतलब शरण लेके, असाइलम मतलब होता है शरण। तो अभी ये किसी और कंट्री के पास रह रही हैं। तो ये सब पढ़े करो, इनसे आपका माइंड ब्रॉड होगा। तो देखो मैंने आपको दो केस स्टडी बताई विसल ब्लोअर से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा जो एथिक्स का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें हमने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लिए। बट एथिक्स में क्या है, कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्जाम में। तो अगली क्लास हमारी ऐसे टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, हम डिस्कस करेंगे कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बड़े बड़े, तो देखते हैं कि उसमें आपको कितना समझ में आता है टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।